पॉसिबिलिटी, छोटा फल बड़ा फल। ठीक है, हम स्त्रियों के मामले में हमको मालूम है घर चलाना होता है, हमारे बच्चे हैं, हमारे पति हैं, हम बाहर भी काम करते हैं, घर में भी काम करते हैं, पर सहयोग के आने के बाद ऐसी कौन सी अलग बात हो जाती है हमारे अंदर? हम ऐसी कौन सी नई चीज पाते हैं जो एक स्त्री शक्ति को स्त्री होने का गर्व दिलाती है और हम इसे अनुभव करते हैं? वो है हमारा आत्म साक्षात्कार। इस मामले में पुरुष भी आत्म साक्षात्कार पाते हैं, लेकिन ये जो गुण होते हैं आत्म साक्षात्कार पाने के बाद, जैसे क्षमाशीलता, प्रेम, शांति, कोई आप पूछे तो स्त्री रूप ही समझ में आता है इन सब चीजों में। लेकिन क्या हम सचमुच प्रेम की मूर्ति हुए हैं? क्या हम सचमुच हमारे अंदर इतनी शांति है कि जो हमसे ले ले वो भी शांत हो जाए? ये सोचने वाली बात है, पर बहुत आसान कर दिया श्री माता जी ने। उन्होंने कहा, अगर आप अपने इन चक्रों पर काम करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप में ये गुण आ जाएंगे, चाहे आप पुरुष हो या स्त्री। पर हाँ, ये सारे गुण स्त्री के ज्यादा करीब होती है, क्योंकि स्त्रियों में ज्यादातर लेफ्ट साइड उठा रहता है, इमोशंस है, वो शक्ति है, और पुरुष जो क्रिया को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ये सब चीजें गुण आसानी से आनी चाहिए, लेकिन अगर हम ये प्रश्न पूछे क्या मैं अपने अंदर इन गुणों को आत्मसात की हूं, तो कैसे पता चले? हम शायद कहेंगे, हाँ मैं ठीक हूं, मैं तो सबसे प्रेम करती हूँ, लेकिन ये चक्रों में क्या चल रहा है? ये जो सात चक्र हैं, तीन नाड़ियां हैं, ये ही इसका प्रमाण देती है कि आपके अंदर कितना प्रेम है, कितनी शांति है, और आपको कितना और आगे बढ़ना है। जैसे कि भैया कह रहे थे सेमीफाइनल से, ये सही बात है, अभी हमने शुरुआत ही की है और आगे बहुत आगे जाना है। और एक चीज जो है स्त्रियों में जो हम देख सकते हैं कि हम सहजों को झट से पकड़ लेते हैं। काफी स्त्रियां हैं, मैं देख रही हूँ कि पुरुषों के कंपैरिजन में स्त्रियां बहुत ज्यादा है। बहुत गर्व होता है कि हाँ, हम स्त्रियां ज्यादा साधक हैं, शायद ज्यादा हम आत्मा को ढूंढ रही हैं, इसीलिए सहज योग में पूरे संसार में, आप अमेरिका जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, यूरोप जाइए, स्त्रियों का जो स्पेस होता है टैंक का, वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? शायद परमात्मा यही चाहते हैं कि स्त्रियां आए अपनी आत्मा को ले, क्योंकि सहज योग एक स्त्री का ही काम है ज्यादातर मेरे हिसाब से। क्योंकि आप देखिए इसमें श्री माता जी क्या बताते हैं, ये सिर्फ परमात्मा का चलन है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, सब परमात्मा करते हैं। अब स्त्रियां देखिए गृहिणी क्या करती है, वो रोज दिन सुबह उठते ही सोचना चालू नहीं करती उसकी, अच्छा चलो आज मुझे खाना बनाना है, तो पहले मंडी जाएगी, देखिए कौन सा सबसे फ्रेश सब्जी है वो लेके आएगी, उसको काटेगी बनाएगी। पुरुष बोलता है, नहीं मुझे पहले लिस्ट दो, ये वो नहीं चाहते कि मैं ये भी देखूँ वो भी देखूँ, नहीं नहीं नहीं, बस मुझे लिस्ट दो, मैं जाऊँगा, अच्छा है बुरा है मैं लेके आ जाऊँगा, बस खत्म मेरा काम। पर स्त्रियाँ ऐसे नहीं है। हम सोचेंगे, अरे मुन्ने को ये पसंद है तो ये सब्जी बनाती हूँ, अरे शायद वो लोग घर आए तो ये पनीर बनाती हूँ, वो उनको अच्छा लगता है। तो देखिए हमारे सोचने का ढंग ही अलग है, क्योंकि हम थोड़ा स्पॉन्टेनिटी में बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं बिलीव करते हैं। लेकिन सहज योग का कार्य भी वैसा ही है, इसमें ज्यादा ऑर्गेनाइजर की जरूरत नहीं है, पीछे से ही काम होता है। आप पीछे बैठे बैठे इच्छा करें यहाँ कोई काम कर डालेगा, आपकी कोई और इच्छा है तो कोई और कर डालेगा। ये है सहज योग, ये आपके चक्रों पर ही काम करता है, आपकी इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति में संतुलन लाता है बस। क्योंकि करने वाला तो हम जानते हैं कौन करता है, हम नहीं कुछ करते।
तो ये सारी चीज़ें अगर हमें जाननी हो तो सबसे पहले मुझे लगता है हर सहयोगी को अपने चक्रों का परिचय होना बहुत ज़रूरी है। आप स्त्री हो या पुरुष, मैं कमी नहीं कह रही हूँ अगर आपको महसूस नहीं होता है, लेकिन आपको इसकी इच्छा तो करनी ही चाहिए, क्योंकि सहजोगी बहुत साइंटिफिक, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। हम बस अपने आप को नहीं कह सकते माँ हम सब समर्पित करते हैं आपको, लेकिन पीछे जाके हम कुछ भी कर रहे हैं। आपके चक्रों पर ये असर होता है, आप जो कहते हो, जो सोचते हो, आपके चक्रों में कुछ ना कुछ घटना घटित होती है। बस शायद आप अनुभव अभी नहीं कर पा रहे हो, पर आगे चल के जरूर करोगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, इस शक्ति को सबसे पहले आप इसका पूरा क्रिया, इसका जो युक्ति होता है उसको सीखें कि आज मेरे चक्रों में क्या चल रहा है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, एक तो है आप पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर रहे हैं श्री माता जी के चरणों में, माँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तू ही है सब कुछ, ये सब तेरा है, बहुत ही बढ़िया है। वही वो तो बिगिनिंग हो गया, लेकिन इस बुद्धि को भी जानना होगा कि तू कुछ नहीं करता है, सिर्फ परमात्मा सब कुछ करता है। ये चैतन्य लहरियाँ हैं, ये जो गण है हमारे इर्द गिर्द, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि बार बार अहंकार, मन, बुद्धि और ये जो शरीरों की आप बातें कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में जकड़ा हुआ है बुरी तरह। हम कितना भी कह लें कि हाँ हम उसके परे हैं, लेकिन वो धीरे से आ जाता है, पीछे से आ जाता है, पीछे के दरवाजे से आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा, आपके चक्रों का परिचय आपको पूर्णतः होना चाहिए। आपके ध्यान के बाद आप एक दो मिनट बैठे और श्री माता जी के सामने दोनों हाथ करते हुए एक प्रश्न करें, श्री माता जी कृपा करके मेरे चक्रों की स्थिति मुझे बताएं। बहुत ज़रूरी है, इन चक्रों की स्थिति ही आपको बताएगी कि ये सत्य है, आपके अंदर में कौन सी कमी है या कौन सी चीज़ अच्छी है। उदाहरण, कितने लोग यहाँ पे, मैं पूछना चाहती हूँ, अपने चक्रों को पूर्णतया जानते हैं कि मैं इस चक्र में यहाँ हूँ वहाँ, ना कि अपनी बुद्धि से कि अरे मेरे अंदर ये है, पर चक्रों के हिसाब से मैं अपने आप को पूर्णतया जानता हूँ। कितने लोग आज यहाँ पे हैं जो अपने आप को पूर्णतया कहते हैं कि हम अपने चक्रों को पहचानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन ज़्यादातर हम लोग शायद नहीं जानते, शायद हम उस जगह नहीं देख रहे हैं जहाँ हमें देखना है, क्योंकि हमें अपनी साड़ी को अगर मुझे ठीक करनी है तो मुझे अपने आप को देखना है, और ये आपसे ही शुरू होगा। जब आप बैठे ध्यान में, जैसे मैंने कि कहा, और जब आप जो अनुभव करें, शायद पहले दिन कुछ ना महसूस हो, दूसरे दिन कुछ ना महसूस, पर करते करते आपका चित्त, आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, जैसे कि एक सुबह उठते ही आदमी जाके मूड होता है, उस तरह से आपके चित्त को भी आप ट्रेन करते हैं कि देख क्या चल रहा है तेरे चक्रों में, कि कौन सी भाषा बोल रहे हैं, आप इसे नोट करें, एक किताब रखें, इसे नोट करें कि सुबह के ध्यान के बाद मेरा बायां हाथ क्या गर्म था और दाएं में ठंडा था। फिर शाम को फिर से जब आप कुछ करें, फिर से लिखें, क्योंकि हम बैठ रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, इसका क्या मतलब हुआ। ये बहुत बड़ा सच है कि शायद हमारी कुंडली उस स्तर पे नहीं है जिसमें रहना चाहिए, पर क्यों नहीं, जब आदि शक्ति स्वयं हमारे सामने है, उनका फोटो वही वाइब्रेशन देता है जब वो साक्षात स्वरूपा थी इस धरती पर, तो क्यों मेरे पास ये कमी है और मैं क्यों उसे एक्सेप्ट करूँ। नहीं, आप बैठिए, अपने पीछे रहिए, जैसे कहिए अपने आप को, ए नटखट बालक बैठ, चित्त लगा और बैठ और देख तेरे अंदर क्या चल रहा है, कौन सी कमी है मेरे अंदर जिसको मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। वहां से जब आप शुरू करेंगे, आप देखेंगे, आप एक नया लैंग्वेज, नई भाषा अपने अंदर
सीखना चालू करेंगे। और जो व्यक्ति रोज अपने चक्रों से